देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस कैंप के लिए सुखद स्थिति है, सभी विधायकों ने त्याग पत्र वापस ले लिए हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मिलकर वापस लिए गए हैं। 91 विधायकों ने 25 सितंबर को त्याग पत्र दिया था, अदालत में जवाब पेश करने का कारण वापस लेने पड़े, फिर विधानसभा का सत्र आहूत होने की घोषणा हुई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने घोषणा की आहूत करने की विधानसभा का सत्र, और उसके बाद अब कांग्रेस कैंप के लिए सुखद स्थिति बनी है, सभी विधायकों ने त्याग पत्र वापस ले लिए हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मिलकर वापस लिए गए हैं। 91 विधायकों ने 25 सितंबर को त्याग पत्र दिया था, अदालत में जवाब पेश करने का कारण और इस वजह से इन्हें वापस लेना पड़ा। वहीं विधानसभा का सत्र आहूत होने की घोषणा, जिसके बाद त्याग पत्र वापस लिए गए हैं। तो विधायक इस्तीफा प्रकरण अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ 25 सितंबर को 91 विधायकों ने अपने इस्तीफे डॉक्टर सीपी जोशी को सौंपे थे, उसके बाद अब ये इस्तीफे वापस लिए गए हैं, दोबारा ले लिए गए हैं ये इस्तीफे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी, क्या सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए और क्या ये माना जाए क्योंकि बजट सत्र जिस तरह से आएगा या फिर विधानसभा का सत्र जो वो आहूत होगा उसको लेकर ये डिसीजन लिया गया है? देखिए, ये पूरी तरह एक तकनीकी मसला था। अदालत के अंदर विपक्षी दल की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसके बाद इस पर निर्णय होना था, तो उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि समय रहते, क्योंकि तो आज 2 तारीख है, अदालत में जवाब भी देना है विधानसभा की ओर से। तकनीकी जो मसला था, तकनीकी मसले के अनुसार पूरे प्रकरण पर इस्तीफे वापस लिए जाने थे, और पिछले आपने देखा होगा 3 दिनों से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के आवाज पर गहमागहमी बढ़ गई थी, विधानसभा में गहमागहमी बढ़ गई थी, सचिवालय के अंदर भी विधानसभा के लगातार व्यक्तिगत रूप से आके विधायकों को इस्तीफे देने थे, प्रावधान के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तीफे दिए थे, तो व्यक्तिगत रूप से ही उन्हें वापस आकर अपने इस्तीफे हमेशा वापस लेने थे। तो ये तकनीकी जो प्रक्रिया थी ये पूरी की जा चुकी है, और अब एक तरह से कहा जाए तो एक कोई भी राजनीतिक संकट है उससे पहले डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया थी। आपको ध्यान होगा कि 25 सितंबर के दिन जब टीएलपी की बैठक कांग्रेस के सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर 8 जुलाई से बुलाई गई थी, उसी दिन यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर भी एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचेतक और तमाम जो अशोक गहलोत के ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री शामिल हुए थे। 2 ऑब्जर्वर उस दिन आए थे, जिनमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और एक अजय माकन जिनकी अब कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी पद से विदाई हो चुकी है। तो उसके बाद 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के मसले पर कारण बताओ नोटिस मिले थे, जिनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर थे। अब इस पूरे प्रकरण के बाद विपक्षी दल सक्रिय हुआ था, और उसके बाद विधानसभा के सत्र के आहूत होने का ऐलान हो चुका है, 23 जनवरी से सत्र होना है, जिसे बजट सत्र भी कहा जाता है। वैसे में जब सत्रावसान भी हो चुका है और राज्यपाल ने बजट नोटिफिकेशन या वारंट जारी कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि विधानसभा की प्रक्रिया और राजनीतिक जो भी संकट है उसको समाधान निकालकर और विपक्षी दल के जो किसी भी चुनौती से सामना करने के लिहाज से कांग्रेस विधायक दल ने यह तय किया कि फिर से स्पीकर के समक्ष जो इस्तीफे दिए गए थे उन्हें वापस। अच्छा योगेश जी, ये जो अदालत में जवाब पेश करना है, आज जिस तरह से कार्यवाही है अदालत में, अब उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? देखिए, कारण वही है, इस पूरे प्रकरण पे कारण यही है कि जो भी जवाब पेश किया जाना है, जो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तकनीकी जो रुकावट या तकनीकी अड़चन है उसको दूर किया जाना और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। तो इस लिहाज से कांग्रेस विधायक दल ने ये रणनीति बनाई थी, आनन फानन में रणनीति बनी। यही कारण है कि कुछ मंत्री
राजस्थान से बाहर थे, कुछ विधायक बाहर थे, नए वर्ष को मनाने के लिए परिवार सहित बाहर थे, कुछ देश से बाहर भी गए हुए थे, उनको आनंद फानंद में राजस्थान वापिस आना पड़ा। उनको आनंद फानंद के अंदर ही उपस्थित होकर अपने इस्तीफे सौंपने पड़े। अब कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे सौंप कर वापिस अपने परिवार के पास और फिर से जो छुट्टियां मनाने के लिए जो उनका परिवार गया हुआ है वहां वो जा चुके हैं। तो पूरी तरह ये प्रकरण जो है अब इसका कांग्रेस विधायक दल की तरफ से तो समाधान निकल चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर अदालत क्या कहती है और स्पीकर भी इस बारे में जब भी विधानसभा शुरू होगी तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल अपनी मांग को बुलंद करेगा और उस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी आसन से क्या निर्णय देते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और सब जानते हैं कि डॉक्टर जोशी एक तकनीकी रूप से बहुत ही कहा जा सकता है सजग माने जाते हैं। संवैधानिक प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के लिहाज से उनका कोई स्थान ही नहीं है और हम पिछले 4 सालों में देख रहे हैं किस तरह से विधानसभा उन्होंने चलाई है। चलिए ठीक है, लेकिन ये एक सुखद स्थिति कांग्रेस के लिए जरूर रही है कि इस्तीफे वापस ले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।